फैजाबाद में बीजेपी के व्रत क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर सरकार के बजट पर प्रकाश डाला। इस पर बीजेपी नेता का उपदेश था कि किसी तरह कुछ ऐसा हो जो लोगों तक बजट में ना पहुंचा हो, उन्हें समझ में नहीं आया हो व उनको समझाया जा सके, इसलिए यह एक मीटिंग कार्यकर्ताओं के साथ भी रखी गई। इस मौके पर दुर्गेश सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा, बीजेपी सरकार का बजट आम जनता के लिए है, युवाओं के लिए है और देश की प्रगति के लिए है। चाहे कृषि की बात हो या नौकरी की, इस बजट में सभी के लिए प्रावधान है, लिहाजा विपक्ष को छोड़कर ये बजट सबको भाया है। दावे कहां रहे? देखिए, जनता का जो भी आदेश है वो हमने स्वीकार किया। निश्चित रूप से हमारी तैयारी में या हमारे समझाने में कोई कमी रही, बल्कि मैं कहूंगा ये हमारी तैयारी में कहीं कमी नहीं थी। उनका झूठ का जो पुलिंदा था, उनका जो भ्रम फैलाने का पुलिंदा था, उसको रोकने में हम अक्षम रहे कि उन्होंने ये झूठ फैलाया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी। उन्होंने ये भ्रम फैलाया समाज में कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी, जबकि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि संविधान का सर्वाधिक उल्लंघन अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस ने किया, चाहे आपातकाल लगाकर किया हो, चाहे अलग अलग मौकों पर देश की चुनी हुई सरकारों को निलंबित करके अगर किसी ने सर्वाधिक उल्लंघन किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। और साथ ही साथ आरक्षण के मामले में भी मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से आरक्षण से छेड़खानी नहीं होने देगी। और ये जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये आज पीडीए या किसी की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सर्वाधिक दलितों पर अत्याचार करने वाली पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। और सर्वाधिक इनके नेताओं ने बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बहुत हल्की टिप्पणी करते थे। आज समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां बाबा साहब के बारे में क्या टिप्पणी कहते थे, उनको भूमाफिया कहते थे, ये बात आप सबके संज्ञान में है। ये वो लोग हैं जो बाबा साहब का सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बने तो उन्होंने बाबा साहब से जुड़े हुए सभी 6 स्थानों को विशेष स्थान देकर उनको डेवलपमेंट कराने का काम किया, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। जानकारी है मोदी पार्टी सरकार ने अपना देश को आगे ले जाने वाला बजट प्रस्तुत किया है और इस बजट के माध्यम से पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रोजगार, समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए, समाज के प्रत्येक वर्ग के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने इस बजट में प्रावधान किया है। साथ ही साथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए भी विशेष प्रावधान इस बजट में किए गए हैं, जिसके तहत लगभग कर्ज गारंटी योजना से उत्तर प्रदेश को 20 लाख इकाइयों को जीवनदान, 22 लाख नए उद्यमियों को तैयार करने का टारगेट इस बजट में किया गया है। सरकार ने 1000 आईटीआई को हब और स्पोक व्यवस्था, 100 आईटीआई कॉलेज को अपग्रेड करने का टारगेट रखा है, जिसके माध्यम से लगभग 3.5 लाख नौजवानों को फायदा मिलेगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो केंद्र सरकार है उसके माध्यम से चालू वित्त वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लगभग 40,000 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है, जिससे 10 नए राष्ट्रीय राजमार्ग, 2000 नई सड़कें बनाने का प्रावधान उत्तर प्रदेश में किया गया है। पिछली बार की अपेक्षा योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश को 7,000 करोड़ रुपए के बजाय इस बार 11,500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। साथ ही साथ केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए अपेक्षित 90,000 करोड़ के बजाय सरकार ने 96,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने इस बजट में आवंटन करने का काम उत्तर प्रदेश के लिए किया है। इस आधार पर निश्चित रूप से जो अलग अलग योजनाएं हैं उस सब में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए पिछली बार की अपेक्षा अधिक धन का आवंटन किया है, धन की व्यवस्थाएं की हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा और उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार डेवलपमेंट के बड़े अवसर यहां आने वाले हैं। इस बार बजट में केवल उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया, तो वही मैं बताना चाह रहा हूं कि जो वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं दिया,
हम कह रहे हैं कि पिछली बार 7,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश को अपेक्षित 7,000 करोड़ रुपए का टारगेट था, लेकिन बजट में 11,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जरा अंतर करिए, कितने हजार करोड़ रुपया एक लग दलों को खुश करने के लिए बजट किया गया है। किसको खुश करने के लिए? जो आपके घटक दल नहीं, घटक दल तो उत्तर प्रदेश में हमारे केवल अपना दल है और ये हैं, तो इसमें घटक दलों के लिए थोड़ी ही व्यवस्था। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, उस सबको डेवलपमेंट के लिए है, जिसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रायोजित योजनाएं हैं केंद्र द्वारा, उसके लिए 90,000 करोड़ रुपए की अपेक्षित था, लेकिन सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए अधिक आवंटन करते हुए 96,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के लिए आवंटन किया है। विपक्ष झूठा नैरेटिव तैयार करने के लिए जाना जाता है। इस लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष ने, आप सबको जानकारी है, आरक्षण, संविधान और इस सब के नाम पर जिस तरह का झूठा नैरेटिव तैयार किया था, उसी आधार पर फिर से ये झूठा नैरेटिव तैयार करने की एक प्रयास है उनका। मैं आपको बताना चाहता हूं, श्री अखिलेश यादव आज आरक्षण के नाम पर सबसे ज्यादा छाती पीट रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब उनकी सरकार थी तो दलितों के प्रमोशन में आरक्षण का विरोध करने वाली कोई सरकार थी तो वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और उत्तर प्रदेश में अगर दलितों पर सर्वाधिक अत्याचार अगर किसी गवर्नमेंट में हुए तो डाटा उठा लिया जाए तो उसमें अखिलेश यादव की सरकार में हुआ था। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, जो अखिलेश जी का आज दलित प्रेम जागा है, कि आज उत्तर प्रदेश में मायावती जी के स्टेट गेस्ट हाउस कांड में जो उनके खिलाफ साजिश रची गई थी, सब वाकिफ हैं, उसके कर्णधार अगर कोई थे तो समाजवादी पार्टी थी, कोई और नहीं था। इसलिए विपक्ष ये झूठा नैरेटिव फैला रहा है। ये बजट के हमने आपके लिए प्रावधान दिए हैं, इससे आप सब लोग सम्मानित पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं, पढ़े लिखे। देखिए, बीजेपी पूरी तरीके से, बीजेपी का संगठन तैयार है, और इस बार जो उन्होंने नैरेटिव झूठा फैलाया था, आज जनता को समझ में आया है कि उन्होंने कुछ चीजें नैरेटिव फैलाई थी, इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जिन लोगों ने अभी भ्रम फैला था, वो सब लोग भी जागरूक हैं कि वही लोग हैं जो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश को गुंडा राज्य की ओर ले जाने वाले लोग हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था बहुत शानदार है। हम 10 के 10 उपचुनाव में इस बार चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे, और निश्चित रूप से हमारी पिछली बार चुनाव में एक बताइए। हाँ जी,